दुष्कर्म और कास्टिंग काउच पर दिग्गज कोरियोग्राफर सरोज खान के विवादित बयान के बीच कांग्रेस नेता रेणुका चौधरी ने चौंकाने वाला बयान दिया है। रेणुका ने कहा कि हर जगह कास्टिंग काउच होता है और संसद भी इससे अछूती नहीं। रेणुका ने कास्टिंग काउच को ऐसी सच्चाई बताया जो हर क्षेत्र में देखी जा सकती है। रेणुका ने कहा कि कास्टिंग काउच की समस्या सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री में नहीं है, यह हर क्षेत्र में हो रहा है और यह कड़वी सच्चाई है। रेणुका ने कहा कि ऐसा मत समझिए कि संसद इससे अछूती है या अन्य कार्यस्थल इससे बचे हुए हैं। यह ऐसा समय है जब भारत ने आवाज उठानी शुरू की है और कहा है मी टू, यानी भारतीय अब कास्टिंग काउच को लेकर खुलकर सामने आने लगे हैं और बता रहे हैं कि उनके साथ ऐसा भी हुआ था। कास्टिंग काउच सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री में नहीं, हर वर्किंग स्पेस में कास्टिंग काउच होती है। इसलिए मैंने कानून लाई थी उन दिनों में सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेसेस। कास्टिंग काउच एग्जिस्ट, सरोज खान ने विवादित नहीं वास्तवता बताई। इससे पहले सरोज खान ने कहा था कि कास्टिंग काउच न केवल फिल्म जगत में फैला हुआ है बल्कि सभी क्षेत्रों में व्याप्त है। उन्होंने कहा कि यह कम से कम रोटी तो देती है। बाद में खान ने इस बयान के लिए माफी मांग ली। संगली में एक समारोह के दौरान सरोज ने कहा कि क्या मैं आपको एक चीज बता सकती हूँ, यह बाबा आजम के जमाने से चल रहा है, यह अभी शुरू नहीं हुआ। कोई ना कोई किसी लड़की का फायदा उठाने की कोशिश हमेशा करता रहा है। जब सरकारी लोग ही ऐसा करते हैं तो फिर आप फिल्म जगत के पीछे क्यों पड़े हैं? उन्होंने कहा कि यह कम से कम रोटी तो देता है, यह आपका दुष्कर्म कर आपको छोड़ तो नहीं देता। यह लड़की पर निर्भर करता है कि वह क्या चाहती है। अगर आप गलत हाथों में नहीं पड़ना चाहती तो आप नहीं पड़ेंगी। अगर आपके पास कला है तो आपको खुद को बेचने की आवश्यकता नहीं है। फिल्म जगत का नाम मत लीजिए। बताओ, ये तो चला आ रहा है बाबा आदम के जमाने से, अभी से थोड़ी हर लड़की के ऊपर कोई ना कोई हाथ साफ करने की कोशिश करता है। गवर्नमेंट करती है, गवर्नमेंट के लोग करते हैं, तो तुम फिल्म इंडस्ट्री के पीछे क्यों पड़े हो? वो तो रोटी तो भी देती है, रेप करके छोड़ तो नहीं देती है। वो मत बोलो, वो लड़की के ऊपर है कि तुम क्या करना चाहते हो। तुम उसके हाथ में नहीं आना चाहते तो नहीं आओगे। तुम्हारे पास आर्ट है तो तुम क्यों अपने आप को बेचोगे?